एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रूमिंग और सेल्फ। मैं अंकिता आज की इस वीडियो में लेकर के आई हूँ मीशो साड़ी हॉल। यस गाइस, इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं मीशो की साड़ियों की, जो कि रिसेंटली मैंने अभी आपकी डिमांड पर ही परचेस किया है, तो मैं उनका रिव्यू आपसे शेयर करूँगी। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट मेक श्योर ये चेहरा आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ अंकिता और इस चैनल पर हम लेके आते हैं मैंस वुमेंस फैशन लाइफ स्टाइल से रिलेटेड वीडियोज। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल ग्रूमिंग योर सेल्फ में, एंड साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकॉन है जिसको आप हिट कर दीजिए ताकि आप हमारे अपकमिंग वीडियो से नोटिफाइड रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो साड़ियां है वो अंडर 700 है, एंड दो साड़ियां 500 की है, दो साड़ियां 700 समथिंग की है, तो बहुत ही अफोर्डेबल साड़ियां लेकर के आई हूँ इस हॉल में। बजट फ्रेंडली है ये साड़ियां, सो फटाफट इनकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले कॉटन की साड़ियों से, जो कि बहुत ज़्यादा इस समय ट्रेंड पे है। तो सबसे पहले कॉटन की साड़ियों से स्टार्ट करते हैं। जो मैं फर्स्ट साड़ी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, यू कैन सी दैट गाइज, ये इंडिको प्रिंट में है। इंडिको प्रिंट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, चाहे वो दुपट्टा में हो, सूट में हो, या फिर साड़ियों में हो, ये प्रिंट बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड पे है। तो ये फर्स्ट साड़ी है, ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। बात कर लेते हैं सबसे पहले ये साड़ी के ब्लाउज पार्ट्स का। तो यू गाइज कैन सी दैट 80 सेंटीमीटर का कपड़ा आपको ब्लाउज के लिए मिल जाता है। यहाँ पे प्लेन ब्लू कलर की, जैसा कि साड़ी का पूरा बेस है उस कलर पे ब्लाउज के लिए यहाँ पे क्लॉथ दिया गया है, सिंपल प्लेन ब्लू कलर का है। अब साड़ी की बात कर लेते हैं, तो यू कैन सी दैट गाइस कि आपको ऊपर यहाँ पे ऐसे बॉर्डर्स मिल जाता है, एंड ओवरऑल साड़ियों पे ऐसे प्रिंट मिलती है, एंड नीचे साइड पे भी ये बॉर्डर्स है। बॉर्डर्स इज दैट्स मीन कि ये पूरा प्रिंटेड बॉर्डर बनाया गया है, कुछ भी अलग से नहीं लगा है, प्रिंटेड ही है ऑल ओवर। ये साड़ियाँ ब्लू कलर का बेस है जिसमें वाइट एंड लाइट ब्लू कलर की प्रिंट है, इंडिको प्रिंट कहते हैं इसको। सो ऑल ओवर साड़ी पे ऐसे ही आपको ये प्रिंट मिलने वाली है। यू कैन सी दैट। एंड अब इसके आंचल पार्ट की बात करते हैं, तो आंचल में आपको ऐसे प्रिंट मिलती है, पूरी साड़ी में आपको ऐसे प्रिंट मिलेगी, यहाँ लाइक चेक पैटर्न टाइप बना हुआ है आंचल पे, आपको बहुत भरा हुआ और बहुत अच्छी प्रिंट मिल जाती है। सो ये इसका आंचल है, एंड बाकी ट्राई ऑन में आप और अच्छे से देख पाएंगे। सो इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे वेबसाइट पे। मैंने ये कलर लिया बिकॉज ऑफ इंडिको बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स देती हूँ कि इंडिको साड़ी को सिल्वर ज्वेलरी के साथ पेयर करने पे बहुत अच्छा लगता है। सो ऑल ओवर ये साड़ी है, इसका जो मटेरियल है बहुत ही सॉफ्ट सा कॉटन है। वहाँ पे वेबसाइट पे मेंशन था मुलमुल कॉटन, तो वैसा ही बहुत सॉफ्ट सा कॉटन है। और ऑल साड़ी की लेंथ बहुत अच्छी है, 6 मीटर की साड़ी जितना यूजुअली होता है उतना ही है, एंड विड्थ भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी साड़ी का लेंथ तो ठीक होता है, विड्थ कम होता है, तो विड्थ भी बहुत अच्छी है, सबको आ जाने वाली है ये साड़ी। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई। सो इसकी जो प्राइस थी वो 742 रुपीज़ समथिंग थी, और आपको प्रोडक्ट का कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे चेक कर लें। नेक्स्ट अगेन कॉटन की साड़ी है। तो ये जो साड़ी दिखाने वाली हूँ मैं, तो ऑनेस्टली आई एम सेइंग कि मैंने जो अभी पहली साड़ी दिखाई उससे ज़्यादा सुंदर मुझे ये वाली साड़ी लगती है बिकॉज ऑफ कलर कॉम्बिनेशन। सो ये जो साड़ी है नेक्स्ट कॉटन की साड़ी है, तो ये साड़ी है ऊपर साइड डार्क ब्लू कलर है, एंड नीचे एकदम ऑरेंजिश टोन है ये। तो मैं आपको ये साड़ी ओपन करके दिखा देती हूँ। साड़ी का ना वीडियो शूट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बिकॉज कैमरे पे पूरी साड़ी कवर हो ही नहीं पाती। बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी ब्लाउज़ की। तो ब्लाउज़ के लिए आपको ऐसा कपड़ा रिसीव होता है, ये ओवरऑल वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो आप चाहें तो इसके साथ आप वाइट ब्लाउज भी सिलवा सकते हैं, एंड ये भी बहुत अच्छी लगेगी इस साड़ी के साथ, बहुत ही प्यारा लगेगा। मैंने अभी बताया कि ब्लू कलर की साड़ी, इंडिगो प्रिंट साड़ी या फिर जिनमें ब्लू होना, उनमें वाइट कलर की ब्लाउज बहुत अच्छी लगती है। इसमें आप वी नेक लें, फ्रंट एंड बैक बोथ, एंड एल्बो लेंथ से थोड़ी ऊपर आप स्लीव ले लें। मैं अभी इमेजिन कर रही हूँ ब्लाउज, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। सो ये ब्लाउज़ है, और मैंने जैसा आपको बताया वैसे ही मैं इसकी ब्लाउज स्टिच कराने वाली हूँ इसी मटेरियल से। 80 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है जो ब्लाउज पीस आपको मिलती है। अब बात कर लेते हैं साड़ी की। तो यू कैन सी दैट गाइस कि ऊपर का जो भाग है
वो ब्लू कलर में है, जिसमें व्हाइट एंड ब्लैक से बटरफ्लाई बनी हुई है। एंड यहाँ के बाद जो नीचे का पार्ट आता है वहाँ ऐसे ऑरेंज कलर है, एंड ऑरेंज पे भी ऐसे क्रिस क्रॉस समथिंग डिज़ाइंस हैं, एंड बहुत बड़ी बड़ी बटरफ्लाई बनी है। मुझे इसका कॉम्बिनेशन एंड इसमें जो बड़ी बड़ी बटरफ्लाई बनी है वो दोनों बहुत अच्छी लग रही थी। तो ऑल ओवर आपको सेम मिलता है ऑल ओवर साड़ी पे। यस, ऑल ओवर साड़ी पे आपको सेम प्रिंट मिलता है। आंचल में भी इसके सेम प्रिंट है, कुछ भी अलग सा नहीं है। तो ये एक डिज़ाइनर टाइप आप पीस आप बोल सकते हैं। ऑल ओवर साड़ी सेम है, एंड ब्लाउज एकदम से टोटली डिफरेंट वाइट कलर में दिया गया है, कंट्रास्ट वाइट कलर। तो ओवरऑल जब ये साड़ी स्टिच हो करके आएगी तो इस ब्लाउज के साथ बहुत ही प्यारी लगने वाली है, मैं अभी इसे इमेजिन कर रही हूँ। एंड इसका जो मटेरियल है वो भी सॉफ्ट मुलमुल कॉटन है, पहनने पे भी बहुत कंफर्टेबल है। हर टाइप के सीजन पे आप ऐसी साड़ियों को पहन सकते हैं कि साथ अच्छा स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ इसको आप पहनिए, बहुत ही प्यारा और बहुत ही रिच लुक आने वाला है। इस साड़ी की लेंथ एंड विड्थ दोनों बहुत अच्छी है, यूजुअली जितनी साड़ियों की होती है। अफोर्डेबल रेट पे यदि आप कोई साड़ी ढूंढ रहे हैं एज लाइक अ डिज़ाइनर पीस ढूंढ रहे हैं, जैसे इस टाइम से चला है कि एकदम से साड़ी डिफरेंट कलर, ब्लाउज डिफरेंट कलर, ओवरऑल आल साड़ी सेम कलर पे, ये बहुत ज़्यादा पैटर्न पे है, तो ऐसी साड़ियाँ आपको मीशो पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। तो कुछ उसी बेस पे मैंने ये साड़ी बाय की है। सो बात कर लेते हैं हमारी तीसरी साड़ी की। यू गाइस कैन सी दैट ये डार्क ग्रीन कलर की साड़ी है। डार्क ग्रीन कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है इस समय। आई डोंट नो ये कलर, इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। ये जो साड़ी है लगभग लोग नहीं तो इसमें 7-8 कलर ऑप्शन मिल जाएगा आपको, रेड, ब्लैक्स और भी बहुत सारे कलर हैं, ब्लू। लेकिन मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया सो मैंने ये बाय किया है। ये डार्क ग्रीन कलर की साड़ी है, इसमें गोल्डन कलर की थ्रेड एंड सिक्वेंस से वर्क की गई है, तो ये एक फेस्टिव पीस बन जाता है। साड़ी का जो 80 सेंटीमीटर का पार्ट है वो एकदम से प्लेन है, यानी इसमें कोई भी वर्क नहीं दिया गया है। ये वो पार्ट है जो आप साड़ी बांधना जहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ कोई वर्क नहीं है, सिंपल है, जिसे आपके बॉडी पे चुभे भी नहीं। तो ये अच्छा लगा मुझे इनका कॉन्सेप्ट। एंड आगे आप देखेंगे तो आपको एकदम से सेम वर्क मिलेगा। यू गाइस कैन सी दैट ऑल ओवर साड़ी पे ऐसे वर्टिकली गोल्डन थ्रेड एंड सिक्वेंस से वर्क किया गया है। जो सितारे लगे हैं ना वो बहुत ही अच्छे से गोल्डन थ्रेड के साथ लगे हुए हैं, एकदम अच्छा नीट एंड क्लीन वर्क किया गया है, यानी कि सितारे निकलेंगे नहीं। और गोल्डन थ्रेड के साथ जो इनका कॉम्बिनेशन है वो बहुत प्यारा लग रहा है, बिल्कुल भी भड़कीला नहीं लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, आप कैमरे पर देख पा रहे होंगे। ऑल ओवर साड़ियों पे आपको ऐसे वर्क मिल जाएगी। ये लास्ट है, यानी कि इसका आंचल वगैरह सब कुछ सेम है। जैसा कि मैंने बताया कि आजकल इसी कॉन्सेप्ट में साड़ियाँ चल रही हैं कि ऑल ओवर साड़ी सेम कलर पे बहुत प्यारी लगती है, सेम कलर एंड सेम डिज़ाइन के साथ बहुत अच्छी लगती है, लाइक सॉलिड टाइप ऑफ पीस। अब बात कर लेते हैं इसका मटेरियल, तो बहुत ही प्यारा जो मटेरियल होता है, लाइक बहुत सॉफ्ट वाला जॉर्जेट, वैसा ही इसका मटेरियल है। जॉर्जेट भी नहीं है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन ये जो मटेरियल है बहुत सॉफ्ट है एंड कलर बहुत प्यारी है साड़ी की। एंड इसकी ब्लाउज़ की बात कर लेते हैं। इसमें जो आपको ब्लाउज़ का कपड़ा रिसीव होता है वो 80 सेंटीमीटर का, ये ऐसा रेड कलर का कपड़ा आपको रिसीव होता है, साइन मिल जाएगी। जो साड़ी का कपड़ा है ना इसे टोटली डिफरेंट कपड़ा है, उसमें भी एक साइन मिलती है हालांकि, लेकिन ये जो कपड़ा है एकदम से डिफरेंट टाइप आपका ही है। इसमें भी साइनी साइनी एक मटेरियल आता है ना, जैसे सस्ती साड़ियों में जो ब्लाउजेस मिलते हैं कुछ वैसा ही है। तो ब्लाउज़ तो मुझे इतना समझ में नहीं आया, इसमें भी ऐसे डिज़ाइन पे गोल्डन कलर का सेम जैसा साड़ी पे है, उसमें वर्टिकल लाइंस थी, इसमें ऐसे छोटे 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 बूटे टाइप के डिज़ाइंस बनाए गए हैं ऑल ओवर ब्लाउज़ पे। तो ये रेड कलर का ब्लाउज़ है एंड ग्रीन कलर की साड़ी है, यानी रेड कॉन्ट्रास्ट कलर पे ब्लाउज़ दिया गया है। तो आप चाहें ना तो अलग से रेड कलर की कोई ब्लाउज़ आपके पास हो तो उसके साथ आप वेयर कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ आप मार्केट से भी रेड कलर का कोई भी कपड़ा लेकर के अपना मनपसंद कपड़ा लेकर स्टिच करवा सकते हैं, यदि आप इससे स्टिच नहीं करवाना चाहते हैं तो। बहुत पतला कपड़ा है, डेफिनेटली आप देख पा रहे होंगे। तो यदि इस कपड़े का ही आप ब्लाउज स्टिच करवाना चाहते हैं तो आपको इसमें अस्तर की नीड पड़ेगी। नेक्स्ट जो साड़ी है वो मुझे बहुत पसंद आई है,
मेरे को भी एंड मम्मी को भी बहुत पसंद आई है, तो मैं भी मैं मम्मी को देने वाली हूँ ये साड़ी। एंड इसमें येल्लो कलर मैंने देखा है तो वो मैं अपने लिए बाय करने वाली हूँ। सो गाइज यू कैन सी दैट कि ये साड़ी है, ये साड़ी। सो इसका मटेरियल जो है वो जूट है, सॉफ्ट लेनिन करके ऐप पे मेंशन है, लेकिन एक्चुअली अब मेरे हाथ पे है तो मैं फील कर पा रही हूँ इसका जो कपड़ा है वो जूट का कपड़ा है। बहुत प्यारा मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट है, कॉटन की साड़ी है, जूट का मटेरियल है, लेकिन यू कैन सी दैट गाइस कि मैं इसको ईजिली ऐसे कर पा रही हूँ, यानी बहुत सॉफ्ट है। पहनने पे भी ये बहुत कंफर्टेबल रहेगा। कॉटन की साड़ियाँ थोड़ी सी पहनने में प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन इसका जो मटेरियल है बहुत सॉफ्ट है, तो आपको पहनने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली है। साथ ही साथ लाइट वेट बहुत है, तो आप कोई अच्छी साड़ी, लाइट वेट साड़ी ढूंढ रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। 550 रुपीज़ इसकी प्राइस है गाइस, और इस रेट पर इतनी अच्छी क्वालिटी मिल रही है। लाइक ए डिज़ाइनर पीस है। मैं इसके साथ जो कैटलॉग रिसीव हुआ है मुझे, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो यू गाइस कैन सी दैट ये कैटलॉग इसके साथ रिसीव हुआ है, तो मॉडल ने ऐसे इसको वियर करके रखा है एंड सेम टू सेम जैसा दिख रहा था वहाँ पे वैसा ही रिसीव हुआ है। मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। सो गाइस आँचल से मैं साड़ी की स्टार्ट कर रही हूँ। ये साड़ी का आँचल वाला पार्ट है, तो बॉर्डर इसका बहुत ही पतला सा रेड कलर का ऐसे बॉर्डर दिया गया है, बहुत पतला बॉर्डर है। एंड साथ ही साथ इसमें ऐसे येल्लो एंड ब्लैक कलर की टेसेल लगी हुई है। You guys can see that. And all over साड़ी पे ये आपको वर्क मिल जाएगा। वर्क इज दैट मीन ना तो ये प्रिंट है ना तो ये कढ़ाई है, कि एकदम से ये क्लॉथ का ही है, धागे से, इसमें पूरा धागा से ये बनाया गया है। अलग सा ना तो ये प्रिंट है ना एम्ब्रॉयडरी, यानी ये साड़ी का ही पार्ट है, आप ऐसा बोल सकते हैं। सो इसमें इतना चौड़ा बॉर्डर आपको मिल जाती है आंचल से इधर भी का बेस है, वहाँ पे आपको ऐसे छोटे 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 वर्क्स एंड ऑरेंज कलर के थ्रेड से लिपटे हुए छोटे 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 मिरर का वर्क मिल जाएगा। ये प्लास्टिक वाले मिरर हैं, ओरिजिनल मिरर नहीं हैं, तो ऐसे छोटे 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 मिरर ऑल ओवर साड़ी पे लगे हुए हैं। एंड ऐसे ही आपको ऊपर एंड साड़ी के नीचे दोनों साइड ऐसा बॉर्डर्स मिल जाती हैं। You guys can see that all over साड़ी पे ये यहाँ पे साड़ी आपकी एंड हो जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्लाउज पार्ट्स की। तो ब्लाउज के लिए जो आपको मटेरियल रिसीव होता है वो इस टाइप से मटेरियल रिसीव होता है, सेम वैसे ही क्लॉथिंग मटेरियल है, जूट का मटेरियल है जैसा साड़ी का मटेरियल है। एंड पैटर्न आपको एकदम डिफरेंट देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर एंड ब्लैक में ऐसे रेड कलर से डिज़ाइन बने हुए हैं। यस सिंपल सोबर सा ब्लाउज मिलता है आपको ये। सो ब्लाउज आपको 80 सेंटीमीटर समथिंग मिल जाता है एंड 6 मीटर की लंबी चौड़ी ये साड़ी है, तो साड़ी की लेंथ भी एकदम से परफेक्ट है। एंड जो इसका मटेरियल है बहुत सुंदर मटेरियल है एंड साड़ी पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगने वाली है। तो यदि आप अफोर्डेबल रेट पे कोई अच्छी सी साड़ी ढूंढ रहे हैं तो आपको मीशो से ये वाली साड़ी मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगी कि आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इस सारे हॉल में यदि एक साड़ी आपको कोई लेना हो तो आप ये वाली साड़ी लीजिए, बहुत सुंदर साड़ी है। सो गाइस ये था मेरा मीशो साड़ी हॉल। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आपको पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लॉन्ग टर्म पे हमसे जुड़े रहें। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, खुद से खुद को ग्रूम करते रहिए जो कि हमारा मोटिव है, एंड खुद का ध्यान रखिए एंड बाय।